गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गुड एंड यू ऑल नो कि हॉस्टल का खाना कैसा रहता है। मैं बहुत ही रेयरली हॉस्टल का खाना खाती हूँ। लाइक कभी ऑर्डर कर लेती हूँ या फिर कभी खुद से कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हॉस्टल में इंडक्शन है। तो मैंने सोचा कि आज इन हाथों से कुछ क्रिएटिविटी करते हैं और बनाते हैं कुछ स्पाइसी, कुछ वेजिटेबल। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। मैं मार्केट जाना होगा, कुछ वेजिटेबल लेंगे, कुछ वीडियो मैंने शॉर्ट ही बनाया ताकि आप लोग अच्छे से इंजॉय कर पा। सो लेट्स गो, बाय। यू आर सो ब्यूटीफुल। या गाइस, अभी मैं और दिव्या डोमिनोज आए हैं खाने के लिए, नहीं एसी में बैठने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत गर्मी लग रही है। अपने पिज्जा में से मुझे शेयर करो। ये दिन पर परवल भी 15 रुपए। नहीं, परवल 40। आइए आइए, दो झोला कम से कम भरिए, दो से 4-5 रुपए। उसी में से चुन के रखे निशांत। पपीता कैसे हो? कोई भी लेंगे तो 50 का ही किलो ना, ज्यादा कम दे सकता। छोटा लीजिए तो कम का, तो छोटा दिखा दीजिए ना, छोटा। ज्यादा पका हुआ नहीं, पका नहीं है, नहीं वो बहुत पका हुआ है, खराब हो जाएगा। भाई लीजिए, भाई 1 किलो 50 ग्राम जाते हैं। एक सब्जी बनाने मेरी हालत खराब हो गई यार, बहुत गर्मी लगी, पूरे पसीने में भीग गई हूँ मैं। अब हम करेंगे प्लेटिंग, उसके बाद हम बनाएंगे सैलेड। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने हाथों से कुछ बनाया है बहुत टाइम बाद। लुकिंग सो डिलीशियस। मुझे हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आता,
तो इंडक्शन है तो इसे कुछ कुछ बना के खा सकते हैं। हल्का नमक नहीं है, बाकी सब मस्त है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ राइट नाउ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने इतना टेस्टी बना लिया। ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बताना कि आप अपने हॉस्टल में क्या क्या बना के खाए हो। आप भी हॉस्टल में रहते हो, बनाओ खाओ एंजॉय करो। ओके okay.